डाल देंगे और ये जो लहसुन। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ। हेलो, आज मैं फ्रेंड्स आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये देखिए पानी फल है, इसे सिंघाड़े भी बोलते हैं। तो हम लिए हैं सिंघाड़ा, तो इसकी रेसिपी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसे हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में जो है डाल देते हैं। इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, लगभग एक गिलास पानी डालने हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और प्रेशर कुकर बंद करके हम गैस पे चढ़ा देंगे। जब ये एक सीटी आ जाएगा फिर हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है। तो हम यहाँ गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिए हैं गैस पे। तो ये हमारा जो है एक सीटी आ गया है, इसे हम साइड कर देते हैं। जब तक कि प्रेशर निकल जाएगा हम आगे का कर लेते हैं। तो हम गैस ऑन करेंगे और हम एक पैन रख रहे हैं, आप पैन या सारा कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए हम यहाँ पे जो है मसाला अपने आपको दिखा देते हैं। तो मसाले में हम यहाँ अजवाइन ले लिए हैं, अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं, एक चम्मच लिए हैं। और ये हम ले लिए हैं एक चम्मच कलौजी, देखिए यहाँ पे। और हम आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या मसाला चाहिए हमें। तो हम बना रहे हैं सिंघाड़े का अचार। तो इसमें हम ये लहसुन लिए हैं, लहसुन को हम छील लिए हैं, छील कर ले लिए हैं लहसुन। और ये हम लिए हैं सूखा लाल मिर्च। तो सूखा लाल मिर्च हम थोड़ा ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हमारा सिंघाड़ा जो है एक किलो है, तो उसके हिसाब से हम लिए हैं। और ये हम लिए हैं थोड़ी सी सरसों ले लिए हैं, सरसों काली वाली सरसों है, एक से डेढ़ चम्मच हम सरसों ले लिए हैं। तो आइए हम आगे करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा ये गर्म हो चुका है तो इसमें हम ये डाल देते हैं। तो इसमें हम कलौजी और ये अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा जो है। बस दो मिनट इसे भून लेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है अचार में बहुत अच्छा आता है। तो हम यहाँ सीजनल अचार बना रहे हैं, अचार बहुत अच्छा होता है। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी मेरी रेसिपी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये देखिए अब हम इसे भून लिए हैं, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। तो इसे हम उतार के रख देते हैं जब तक ठंडा होने के लिए। और हम एक जार लेंगे, मिक्सी का जार ले लिए हैं, इसमें हम ये सूखा लाल मिर्च को डाल देंगे और ये जो लहसुन हम रखे हैं लहसुन को भी डाल देते हैं। और ये सरसों को भी हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेते हैं। तो अब हमारा ये जो है देखिए प्रेशर सीटी निकल गया है कुकर का, तो हम खोल लेंगे इसे, आपको दिखाते हैं निकाल कर। देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है, बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसे। तो हम इसे निकाल लेते हैं जाली वाले थाली में। तो अब इसे हम थाली में निकाल लिए हैं सिंघाड़े को। अब हमें कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, कोई भी आपके पास डोंगा या जो भी हो बाउल आप उसमें ले सकते हैं। और जो ये सिंघाड़े का ये काटा होता है एक तरफ ये तेज वाला, इसे हम निकाल देंगे काट के चाकू से, भी बहुत गर्म है, इसे हम निकाले हुए हैं। और इसे हम दो दो भाग कर लेंगे क्योंकि हम
तो ऐसे ही हम सारे सिंघाड़े को ऐसे करके जो ये साइड में होता है नुकीला नुकीला उसे हम काट लेकर हटा देंगे और फिर इसका हम दो दो भाग कर लेते हैं। देखिए ऐसे करके बस हमें करना है, इसका छिलका नहीं हटाना है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, छिलका सहित ही रहेगा। ऐसे नुकीले को निकाल लेंगे और दो दो भाग कर लेंगे, सारे को सिंघाड़े को हम ऐसे ही काट लेते हैं। तो देखिए हमने सारे सिंघाड़े को जो है कर लिए हैं, दो दो टुकड़े में कर लिए। अब इसमें हम मसाला मिला लेते हैं। तो मसाले में जो ये अजवाइन और कलौजी हम भून के रखे हुए थे इसे डाल देते हैं। इसे पीसना नहीं है, इसे ऐसे ही डाल देना है, खड़ा ही रहेगा ये, बस भूनने के बाद इसे मिला देना है। और जो ये मसाले हम दिखाए थे आपको, सरसों लहसुन और मिर्चा, इसको पीस लिए हैं और इसे भी डाल देते हैं। तो सारे मसाले डाल देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे ऊपर से। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम हल्दी पाउडर ले लिए हैं, तो हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। हल्दी एक चम्मच लगभग डाल दिए हैं। और अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक हम स्वाद अनुसार ले लेंगे। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नमक अचार में थोड़ा अधिक ही लगता है और टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम थोड़ा अधिक ही डाल रहे हैं, लगभग दो चम्मच से ज़्यादा डाले हैं थोड़ा सा। और अब इसमें हम डालेंगे तेल, तो तेल हम सरसों का लिए हुए हैं, तो तेल भी आपको दिखाते हैं। तो हम तेल यहाँ एक कटोरी लिए हैं, लेकिन इतना तेल हमें नहीं डालना है। तेल हम बड़े वाले चम्मच से एक चम्मच और इसका हाफ और डाल देते हैं, हाफ चम्मच और डाल देंगे, सब मिला के डेढ़ चम्मच डाल देते हैं तेल। और अब इसमें हम ये हरी मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च को धो लिए हैं साफ करके लिए और इसके डंडे को निकाल लिए हैं। अब आगे इसको हम क्या करेंगे कि मिर्चे को थोड़ा सा इसमें चीरा लगा लेंगे और इसे भी डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी मिर्ची का, तो इसे भी डाल देते हैं। ऐसे सारे मिर्ची को हम फाड़ के डाल देते हैं। तो हम सारे मसाले को देख सकते हैं ऐड कर लिए हैं। अब इसे हमें मिला लेना है अच्छे से। आप सभी लोगों से फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और बस ऐसे ही हमें मसाले को मिला लेना है अच्छे से। सारे मसाले हम मिला लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसे क्या बस हल्का सा जो है धूप में हम धूप दिखा देंगे और अचार हमारा जो है ये बनकर सीजनल अचार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप चावल दाल के साथ कर सर्व कीजिए या पराठे रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं, आप सभी लोगों से फिर मिलेंगे कल कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।